गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदला उनसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति पहली जो औद्योगिक नीति है कब? 6 अप्रैल 1948। दूसरी औद्योगिक नीति भूल गए 1956। दोनों में क्या बेसिक अंतर? 1956 और 1948 की औद्योगिक नीति में क्या अंतर था? बेसिक अंतर ये था कि 1948 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, 4 वर्ग में। और 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें 3 वर्गों में, 3 अनुसूचियों में विभक्त किया गया था। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ये अवधारणा 1956 की औद्योगिक नीति में लेकर आए थे। नई औद्योगिक नीति की बात करेंगे हम। नई औद्योगिक नीति 1991। अपन ने फेरा पढ़ा। फेरा क्या चीज है सर? फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब आया था? 1973। क्या उद्देश्य था इसका? विदेशी मुद्रा के आवागमन को कंट्रोल करना, नियमित करना। और इसको हटा के क्या लाया गया? फेरा का स्थान अब काय ने ले लिया? फेमा ने लिया। क्या फुल फॉर्म है फेमा का? पता होगा। हाँ बस ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक ही तो वर्ड, आर का रेगुलेटिंग और इसमें क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो विदेशी मुद्रा को का प्रबंध करना 1991। एक MRTP एक्ट पड़ा था, एकाधिकार नियंत्रण अधिनियम, कब लागू किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो 1969। MRTP एक्ट कितनी सीमा थी 1969 में? 25 करोड़। जो कंपनी है जिसका कुल वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा का है उनको सरकार से अनुमति देना होता है। फिर बाद में उसको 50 करोड़ किया 1980। फिर बाद में उसको 100 करोड़ कर दिया। अब MRTP एक्ट 1985 में इसकी सीमा जो है 100 करोड़ कर दी गई थी 85-86 में। और 1991 में इस एक्ट को ही समाप्त 1991 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया। विजय क्या लाया फिर इसकी जगह MRTP एक्ट की जगह? भाई कोई तो एजेंसी होना चाहिए सर वो। हाँ क्या सर इसके जगह फेमा लगा? नहीं फेमा तो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसकी जगह लाएगा। क्लियर हो गया है? तो आज हमें पढ़ना है औद्योगिक नीति 1986। बड़ा संक्षेप में है, कोई उतनी बड़ी नीति भी नहीं है। मूल नीतियां जो है ना वो 1948, 1956, 1980 और 1991। और ये जो बीच में आ रहे हैं ना ये उसी नीति में सुधार है। नीतियां कब? 1948 पहली, दूसरी 1956, तीसरी 1980 और चौथी और नवीन औद्योगिक नीति 1991। और बाकी क्या है उसमें किए गए सुधार, जैसे 1973 फेरा लागू किया गया। अब औद्योगिक नीति 1986 अभी थोड़ी देर पहले बताएंगे क्या क्या था इसमें। MRTP एक्ट को मतलब कड़क किया गया, शर्तों को कठोर किया गया होगा या शिथिल किया होगा? कठोर किया होगा है? मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ बोलोगे। शिथिल किया, शिथिल किया। फिर 50 करोड़ से बढ़ाकर इसकी सीमा कितनी कर दी? 100 करोड़। पहले
वो कंपनियां जो 50 करोड़ का भी बिजनेस करती थी वो भी इसके दायरे में आ जाती थी। अब बोला जान दो यार, 100 करोड़ वाली या उससे अधिक वाली जो कंपनियां हैं सिर्फ उसी को हम कंट्रोल करेंगे, शिथिल किया ना उसकी शर्तों को, ठीक है। और बाद में अनलिमिटेड कर दिया, 1,500-2,000 जितना करना हो उतना, तो धीरे धीरे उसको कम ही किया ना उसकी शर्तों को। लिखेंगे 1986 की औद्योगिक नीति के बारे में, इसमें विदेशी निवेश को, विदेशी निवेश को अधिक सरल बना दिया गया, अधिक सरल बना दिया गया। एमआरटीपी एक्ट की सीमा को 100 करोड़ तक बढ़ाया गया ताकि बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके, बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। आज का हमारा जो मूल टॉपिक है वो है नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति, और ये कब आई है, 24 जुलाई। एक है नवीन आर्थिक सुधारों का युग, नवीन आर्थिक सुधारों का युग। आसियान पढ़ा था ना तुमने, आसियान हमने तो पढ़ा था। आपकी तबीयत पक्को में ठीक है ना? मुझे क्यों ऐसा लगता है तुम्हें तबीयत ठीक नहीं रहती है, खुश रहा करो। नवीन आर्थिक सुधारों का युग, आसियान पढ़ा, आसियान में क्या पढ़ा तुमने, भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य है ना, मुख्य सदस्य है क्या, नहीं। और क्यों शामिल हुआ 1991 में, क्यों शामिल हुआ था, पूर्व की ओर देखो की नीति के तहत, पूर्व की ओर देखो की नीति के तहत जो है आसियान का सदस्य बना। पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, क्यों थी, क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि विदेशी शक्तियां भारत में व्यापार करने के बहाने आई और यहाँ के संसाधनों को पर उन्होंने कब्जा कर लिया, दोहन कर लिया, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने तो हद कर दी, यहाँ की संसाधनों के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, शैक्षणिक व्यवस्था पर, यहाँ तक कि धार्मिक व्यवस्था पर भी कब्जा कर लिया, ईसाई मिशनरी आने लगी, धर्म प्रचार करने लगते, ये सब को इतिहास को यदि हम देखें ना प्राचीन समय में, तो जो युद्ध होते हैं उसके बीच में धार्मिक और ये कारण तो होते हैं, सॉरी राजनीतिक कारण तो होते हैं, आर्थिक कारण तो होते हैं, एक मुख्य कारण जो बड़े युद्ध होते हैं उसमें धार्मिक होता है, कौन सा होता है, धार्मिक कारण। अभी जो इसराइल नहीं यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें भी ये कहीं ना कहीं मैटर बनता है, जब हम करेंट में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्या है वहाँ पे, कौन सा वहाँ पे ईसाई धर्म स्थल एक तरफ है, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म स्थल है, वो सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं होता जरूर है। तो अंग्रेज भी आए थे तो वो तो ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, शिक्षा दे रहे हैं अंग्रेजी में, शिक्षा दे रहे के बहाने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो इस कारण हमारे देश ने क्या किया, हालांकि बेकार, अब जब हम आज़ाद होंगे तो आत्मनिर्भर रहेंगे, अब किसी को आने भी नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे देश में, अब जितना है हमारे पास में उतने में ही संतुष्ट रहेंगे। और इसकी इस नीति के तहत हमने कुछ ही देशों के साथ में व्यापार किया और बाकी सबके साथ में व्यापार बंद कर दिया, वो पड़ोसी देश हमारे उनके साथ में व्यापार किया, बाकी क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। फिर देखा कि भारत में जो भुगतान संतुलन है, अभी हम इसके बाद में वही अवधारणा पढ़ने वाले हैं, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो भुगतान संतुलन की स्थिति जो है
निरंतर 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 प्रतिकूल होते चली गई, प्रतिकूल होते चली गई। आरबीआई के पास में इतना भी कोष नहीं बचा कि वो नई मुद्रा का निर्गमन कर सके। कम से कम 200 करोड़ का कोष होना चाहिए उसके पास में, पढ़ाना पर न्यूनतम कोष 200 करोड़ का कोष होना चाहिए, वो भी नहीं बच रहा था। तो अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके ये नवीन आर्थिक सुधारों का युग जिसे कहते हैं एलपीजी मॉडल। एलपीजी एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसको बोला जाता है राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल। राव का मतलब क्या है यहाँ पर, नरसिम्हा राव, श्री नरसिम्हा राव जो हमारे देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे 1991 में, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। मनमोहन जी वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय, तो इनके दिमाग के ऊपर थे इसलिए इसे क्या बोला जाता है, राव मनमोहन मॉडल। और ये जो नए आर्थिक सुधार अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर से, तो उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन जो किया था वो कायम किया था औद्योगिक नीति। तो जो नए आर्थिक सुधार, जो नवीन आर्थिक सुधारों का युग बोला जाता है, अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया था, बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था भारत में भारत बन गया था। और सबसे ज्यादा परिवर्तन कायम किए थे औद्योगिक नीति में, और इसके लिए नई औद्योगिक नीति आई कब, 24 जुलाई 1991। और वित्त मंत्री कौन उस समय, मनमोहन सिंह जी, और प्रधानमंत्री कौन, नरसिम्हा राव जी। 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत, जितने भी क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए उनमें से सबसे अधिक परिवर्तन नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किए गए, इस नीति के तीन आधार स्तंभ थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तीन आधार स्तंभ एल पी जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन आधार स्तंभ इसके। किसने की थी घोषणा इस नीति की, सरल सा क्वेश्चन बन जाए, कंफ्यूज तो हो ही गए, वे दो लोग थे उसमें, राव और मनमोहन सिंह, तो कौन घोषणा करेगा। कब की गई, 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा इसकी घोषणा की। अब विशेषताएं देखते हैं इसकी, क्या थी विशेषताएं, इस नीति की विशेषताएं।
अपन ने पढ़ा ना लाइसेंस राज की शुरुआत, लाइसेंस राज की शुरुआत कौन सी नीति के तहत की गई थी? उन्नीस सौ तिहत्तर हो सकता है। देखो जरा क्या लाइसेंस राज की शुरुआत 1956 तृतीय अनुसूची में जो उद्योग थे वो निजी क्षेत्र के लिए उद्योग रखे गए थे और इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, तो लाइसेंस राज की शुरुआत की गई। हमने बताया कि लाइसेंस लेने के लिए तो पैसा चाहिए, हर आदमी तो शुरुआत नहीं कर सकता, ठीक और चाहिए पकड़ चाहिए अच्छी, कागजी कार्यवाही बहुत सारी हो गई, इसमें ढेर सारी शर्तें हो गई। अब हमें कहीं उद्योग खोलना है और बोले कि आपको पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति चाहिए तो भैया भीमपुर का आदमी दिल्ली जाना पड़ेगा उसे, है ना, टाइम लगेगा ना, उसमें दो चार राउंड लगाए अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे इससे अच्छा तो खेती बाड़ी कर लेते हैं, कहाँ ईट भट्टा लगाए हम, ये होगा ना ऐसा। तो अब सरकार को समझ में आ गया कि हमारे यहाँ उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो रहा, आम मतलब कुछ घराने ही है औद्योगिक घराने जो एक के बाद एक उद्योग लगाते जा रहे हैं और बाकी कोई नहीं लगा रहा, कारण क्या है? तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है, कठिन होने के साथ साथ आरक्षित ज्यादा है। आरक्षित कैसे? बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो सिर्फ सरकार ही स्थापित कर सकते हैं, निजी क्षेत्र के लिए वो ओपन ही नहीं हुए हैं, तो क्यों ना ये लाइसेंसिंग जो प्रणाली है उसको सरल कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। तो सबसे पहला प्रावधान किया इसमें औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन व समाप्ति, औद्योगिक पहला परिवर्तन औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में परिवर्तन व समाप्ति, परिवर्तन व समाप्ति। अब जब 1991 में जो ये औद्योगिक नीति आई तो उसमें एक सूची जारी की गई, सूची जारी की गई और उस सूची में 18 उद्योग रखे गए, इन 18 उद्योगों को लगाने के लिए लाइसेंस लेना होता है, बाकी इसके लिए नहीं। फिर धीरे धीरे इस सूची को क्या किया उन्होंने, कम करते चले गए, कई उद्योगों को उससे बाहर निकालते चले गए कि इसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान में कितने उद्योग बचे हैं? पांच उद्योग हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है, बाकी किसी के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गया, इसको लिखेंगे डिटेल में। 1991 की आर्थिक सुधार के तहत अठारह उद्योगों की एक सूची जारी की गई जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। धीरे धीरे इस सूची को कम किया गया वर्तमान में केवल पांच उद्योग इस सूची में शामिल हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नंबर एक अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आसवन
विनिर्माण, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आसवन व निर्माण, दूसरा तंबाकू की सिगार सिगरेट एवं इससे बनी अन्य वस्तुएं, जैसे नीलू के गांव में सुबह सुबह एक चीज देखी, गांव नहीं देखा, गांव में एक चीज देखी, क्या वो मंजन करते लोग भगवान के नस मंजन करते हैं ना, आपके यहाँ मुझे कैसे पता, क्योंकि सभी गांव में करते हैं सभी गांव में करते हैं ये, तो कोई आपका गांव कोई एलियन तो है नहीं जो अलग से कहीं से लाके रखा है वहां, तो सभी गांव में करते हैं, तो मंजन सुबह सुबह ही करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो ये नस मंजन जो है मतलब तंबाकू का उत्पाद है। अब कुछ चीजें ऐसी है ना जो इसमें हमने तंबाकू लिखा नहीं है लेकिन वो तंबाकू से बनी होती है, तो वो सारी चीजों से संबंधित कोई भी कारखाना लगाना है, यहाँ तक कि तंबाकू की खेती करने के लिए भी अनुमति लेना, लाइसेंस लेना होता है, तो उससे उत्पाद बनाने के लिए भी, जैसे गुटखा वगैरह बना रहे हों या बीड़ी वगैरह बना रहे हों, पाउच से संबंधित कोई, तो वो सब उसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है। अगला इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस तथा रक्षा साज सामान, रक्षा साज सामान बंदूक वगैरह ये वो बना रहे हैं, तो इससे संबंधित सब कुछ। अगला औद्योगिक विस्फोटक, पटाखा वगैरह बनाना हो, बम वगैरह बनाना हो, डायनामाइट बनाना हो, जिलेटिन बनाना हो, जिलेटिन वाला मामला कहाँ हुआ था, झाबुआ में, झाबुआ में कहीं पर हो गया था जिलेटिन, मतलब वो विस्फोटक डायनामाइट जिसे कहते हैं, वो किसी घर में रखे हुए थे, एक विस्फोट हुआ है ना, एक फट गया तो सब लोग क्या हुआ करके देखने के लिए चले गए वहाँ पर, और फिर वो चिंगारी धीरे धीरे उस गोडाउन में लग गई जहाँ पर ढेर सारे रखे थे, फिर 50-60 लोग वहाँ पर एक्सपायर हो गए थे विस्फोट होने से, तो इसलिए इसके लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होता है। लास्ट में लिखेंगे जोखिम वाले रसायन, जोखिम वाले रसायन, भाई स्टेशनरी की दुकान तो ढेर सारी होती है लेकिन जो प्रयोगशाला के लिए जो केमिकल चाहिए होती है ये दुकानें बहुत ही कम होती है, हर जगह नहीं मिलती, क्योंकि इसमें जोखिम हो सकता है। क्लियर हो गया है, ये पांच के लिए अभी भी लाइसेंस लेना अनिवार्य। फिर दूसरा जो किया है, दूसरा जो परिवर्तन किया है, उद्योगों को अनारक्षित करना, उद्योगों को अनारक्षित करना, उद्योगों को अनारक्षित करना, ये क्या चीज है, कौन बताएगा, आप बता दें भेजिए, अनारक्षित करना, उद्योगों को अनारक्षित करो। सर जैसे उसकी सीमा कहते हैं। अनूप होता तो अनूप से भी एक क्वेश्चन पूछता है। आरक्षित क्षेत्र से बाहर करना, किसके लिए आरक्षित, अच्छा अच्छा आपने सही बोल दिया, नहीं तो अभी वो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होने वाला था, मतलब उद्योग जो है आरक्षित सरकार के लिए या निजी क्षेत्र के लिए, दो तरीके के, कुछ उद्योग जैसे अपन ने 1956 में पढ़ा था अनुसूची एक, जो भी उद्योग होंगे वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होंगे, 1948 में अ और ब में, अ में वो उद्योग जो सिर्फ सरकारी क्षेत्र में,
बा में कुछ उद्योग ऐसे रखे गए थे जिसको निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार कभी भी उसका राष्ट्रीयकरण कर सकती था ना ऐसा, तो वही उद्योग भाई ये इसमें पहले के आरक्षित वर्ग में ढेर सारे उद्योग रख लिए थे, अब आम आदमी उसे लगा नहीं सकता, सिर्फ वो सरकार ही लगा सकती थी, वो भी केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग। अब सरकार ने देखा कि जो भी सरकारी क्षेत्र में उद्योग लग रहे हैं वो सब कैसे बीमारू उद्योग है, क्या चीज क्या बताया मैंने, बीमारू उद्योग, क्या होता है बीमारू उद्योग पता तो होना चाहिए था, बड़ा अच्छा उद्योग बीमारू उद्योग क्या होता है अर्थशास्त्री महोदय नहीं पता, बीमार आदमी किसे कहते हैं, ऐसा उद्योग जिसका मालिक हमेशा बीमार रहता है ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे, बीमारू उद्योग, ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे, बीमारू उद्योग। हमारे दिल को गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर भाई, चाय नाश्ता सब कुछ करवा दूंगा, गुस्से करने की जरूरत नहीं है, लोग बात तो मैं 100 रुपए देते हैं, मैं ज्यादा दे दूंगा। हाँ बोलो क्या बीमारी उद्योग में जो घाटे में चल रहा उद्योग, ऐसे उद्योग जो लगातार घाटे में चल रहे हो, अब उसका मालिक कैसे ठीक रहेगा, ठीक रहेगा क्या, नहीं भाई वो इतनी मेहनत कर रहा है सब कुछ कर रहा है, वो उद्योग घाटे में चलेगा तो मालिक तो कभी भी अच्छा नहीं रह सकता, बीमार ही रहेगा ना वो। तो ऐसे उद्योग जो लगातार घाटे में चल रहे हो, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्योग थे वो सब उसमें सरकार इन्वेस्ट तो बहुत कर रही थी, लेकिन उतना उसे आउटकम प्राप्त हो ही नहीं रहा था। तो सरकार ने सोचा यार ये उद्योग तो ऐसे ही घाटे में चल रहे, चलो इनको क्या करो निजी क्षेत्र के लिए छोड़ते चल जाओ, लोग काम करेंगे मेहनत करेंगे और कमाएंगे। तो धीरे धीरे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उनकी संख्या को कम किया गया और उन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। क्लियर हो गया, लिखेंगे 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत, नई औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सीमित किया गया, वह सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिया गया, निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिया गया। अभी वर्तमान में सरकार के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं, तीन कौन कौन से, एक तो तंबाकू वाला है हो गया, वो तो लाइसेंस वाला है आरक्षित नहीं है वो सरकार, तो ये रेलवे, रेलवे हो गया है, और डाकघर, डाकघर तो निजी है भाई, डाकघर तो निजी भी है ना, क्यों हाँ मधुर कोरियर और डाकघर, अरे भाई निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, सरकार भी चला सकती है और निजी क्षेत्र में भी है वो, उसके लिए तो ओपन कर दिया ना उसको, अब कैसे बोलेंगे कि केवल सरकारी है, पोस्ट ऑफिस वाली सेवा तो निजी क्षेत्र के लिए ओपन कर दिया ना, ठीक और बताए, परमाणु ऊर्जा, बस दो बचे हैं, कौन से दो, वर्तमान में केवल दो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, अब ये दो भी नहीं बचा, अब एक ही बचेगा, तो रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा। लेकिन जैसे रेलवे में भी अब क्या कर दिया, निजीकरण शुरू कर दिया है, तो अब इसे कैसे बोलेंगे कि ये भी पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है, धीरे धीरे हम ले आएंगे उसको भी बाहर। क्लियर होंगे, दूसरा पॉइंट तीसरे में लिखेंगे,
राघवन समिति की अनुशंसा पर एमआरटीपी एक्ट की समाप्ति। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एकदम। ये जब सेट का जब एग्जाम हुआ था, सेट का या एमपीपीएससी प्रोफेसर वाला, तब मैंने इसको सही किया है, याद है था, और मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई थी। किस बात की खुशी हुई थी? कि आप इकोनॉमिक्स पढ़े? नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ा ये खुशी नहीं हुई थी। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है क्योंकि ये तब भी पढ़ाया था, मैंने तब भी पढ़ाता था 2017 में, और वैसे तो पढ़ने के लिए समय मिलता नहीं था मुझे, लेकिन पढ़ाता था तो मजबूरी में मुझे पढ़ना पड़ता था, तो वही क्वेश्चन कुछ आ गए। मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिला उस समय, लेकिन पहले जो पढ़ाया था ना वो सब मेरे काम में आता चला गया, पढ़ने वाले रह गए, मैं बिना पढ़े ही निकलते चला गया। उसका कारण मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी काम में आती है, और यदि कल एग्जाम हो और आज पढ़े तो जरूरी नहीं है कि वो काम में आए। जो हमारा 2-4-5 साल की जो मेहनत होती है ना, वो एक साथ में काम में आती है। 4 महीने की मेहनत, 2 महीने की मेहनत काम में नहीं आती। तो किस समिति की अनुशंसा पर? राघवन समिति, राघवन समिति की अनुशंसा पर एमआरटीपी, एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह पर क्या लिखा है, 2002 में सीसीआई का गठन किया गया। तो देखो यहाँ 103-104 क्वेश्चन है। देखो एमआरटीपी एक्ट की समाप्ति की घोषणा किस समिति की अनुशंसा पर? राघवन। एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर क्या लाया गया? सीसीआई। घोषणा कब की गई? 1991 में। स्थापना कब की गई? 2002। किस समिति की अनुशंसा पर? राघवन समिति की अनुशंसा पर। दोनों में होगा, समाप्त करने में भी लागू होगा। क्लियर हो गया एकदम? तो राघवन समिति में फिर एक परिवर्तन, फेरा द्वारा, नहीं सॉरी फेरा नहीं आएगा, क्या आएगा? फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्थापन, फेरा द्वारा सॉरी फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्थापन। फेरा 1973 में जो शामिल था 1991 में उसे समाप्त कर दिया गया, घोषणा कर दी गई। लेकिन जैसे एमआरटीपी एक्ट 1969 में लाया गया था, 1991 में समाप्ति की घोषणा की गई, उसकी जगह क्या लाना था? सीसीआई लाना था, घोषणा कर दी, लेकिन लाया कब? 2002। उसी तरीके से फेरा जो है 1973 में लाया, उसे समाप्त करने की घोषणा 1991 में की गई, और उसकी जगह क्या लाना है? फेमा। फेमा कब लाया गया? 2000 में, नहीं तो वो लोग 1991 में, 2000 फेमा को कब लाया गया? 2000 में। ये उदाहरण था थोड़ा सा, शर्त इसकी शिथिल थी। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। तो विदेशी निवेश FDI, FDI फॉरेन, FI बोलेंगे इसे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब वो किस तरीके से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है या फिर किसी शेयर मार्केट के माध्यम से आ रहा है, या अलग अलग तरीके से, FI है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब किस तरीके से आने की बात की? FDI के माध्यम से छूट दी गई, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हो।
तो FDI के बाद इसमें की गई। तो लिखेंगे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बंद अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा था, लेकिन नई औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश के प्रति उदार नीति अपनाई गई एकल बॉन्ड रिटेलिंग देखो एकल ब्रांड और मल्टी ब्रांड रिटेलिंग क्या है? थोक चिल्लर की जो दुकानें थी दोनों एक ही केस होगा, अलग होगा। थोक चिल्लर का थोक अलग है, चिल्लर अलग है। तो रिटेलिंग मतलब चिल्लर, एक एक आइटम को बेचना, ये क्या कहलाता है? चिल्लर। जैसे ये मॉल वगैरह होते हैं, इसमें एक एक चीज हमें मिल जाती है। ऐसा थोड़ी बोलता है कि इकट्ठे 300 यूनिट आपको खरीदना है। अब सैंडल लेने के लिए चले, मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग और बोलेंगे कि हमारे यहाँ एक जोड़ी नहीं मिलता है, 500 जोड़ी मिलती है एक साथ, खरीदना हो तो खरीदो, तो क्या भंडारा करे उसका? नहीं। तो सिंगल, अब ये तो समझ में आ गया ना रिटेलिंग, ठीक। अब सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड। सिंगल ब्रांड मतलब ऐसी शॉप जहां पर एक ही, जैसे बाटा तो वहां बाटा कंपनी के ही शूज, स्लीपर, बेल्ट, वो सब कुछ लेदर का आइटम सिर्फ बाटा कंपनी का बनाया हुआ ही मिलेगा। रेमंड शॉप, वहां सिर्फ एक ही ब्रांड, सिर्फ और सिर्फ रेमंड। तो ये कौन सा हुआ? सिंगल ब्रांड। मल्टी ब्रांड क्या होगा? जैसे विशाल मेगा मार्ट, विशाल कोई ब्रांड नहीं, वो ढेर सारे ब्रांड अपने यहाँ कलेक्ट करके रखता है और जो पसंद आए वो ले। कपड़ा लेना है तो विमल का चाहिए, रेमंड का चाहिए, या पीटर इंग्लैंड का चाहिए, काय का चाहिए, वो सब रखा हुआ है उसके पास में। वो क्या है? मल्टी ब्रांड। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या, एक ही शब्द बताया मैंने, सिंगल ब्रांड रिटेल, कॉमा लगाएंगे वहां पे। फिर परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ व सट्टेबाजी को छोड़कर सभी में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। क्लियर? ये चार चीजें, कौन सा पहले नंबर पे, कौन सा बताया मैंने? सिंगल ब्रांड रिटेल, दूसरे नंबर पे परमाणु ऊर्जा, तीसरे नंबर पे लॉटरी और चौथे नंबर पे जुआ और सट्टेबाजी। अलग अलग नहीं, जुआ और सट्टा एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है लेकिन एक ही चीज है, जुआ और सट्टेबाजी को छोड़कर। क्लियर हो गया यहाँ तक भी? इसको छोड़कर बाकी कहीं पर भी विदेशी कंपनी निवेश कर सकती है। अब लिखेंगे सार्वजनिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना। सार्वजनिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना। अब क्या होगा प्रतिस्पर्धी बनाना, कैसा करेंगे हम? क्या नाम आपका?
देखता भी नहीं है तो। अर्जुन बताओ कैसे करेंगे सार्वजनिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी? उनके बीच में कंपटीशन है, क्या जी? उनके बीच में कंपटीशन है, रेस करवाते हैं, उनके बीच रेस ही करवाते हैं। अब जैसे सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ते नहीं है, बोलते कि सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ाते नहीं है, दो ही चीजें हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है, मास्टर पढ़ाते नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में वो टीचर मिलेंगे जो चारों तरफ से फेल हो गए हैं, होता है ना ऐसे? तो अब सरकार चिंतित वहां पे कि इतना पेमेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं। एक काम करो, जिसका रिजल्ट अव्वल रहेगा उसको पुरस्कार देंगे। तो वो टीचरों में क्या हो गया, कॉम्पिटिशन की अब हो गया ना, सरकारी स्कूलों में भी सुधार होगा कि नहीं? अब जैसे महाविद्यालय जो है, अब इनको ग्रेड दे देते हैं, नेक होता है इसका, 5 साल में एक बार नेक होता है, नेक में इनको ग्रेड दे देते हैं, ए ए प्लस प्लस, फिर ए प्लस, ए बी, बी प्लस, सी मतलब सी प्लस, डी, ऐसे ग्रेड दे देते हैं। तो हर महाविद्यालय का प्राचार्य चाहता है कि मेरे उपस्थिति में इस महाविद्यालय का ग्रेड सुधर जाए, तो सारी प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवाते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। समझ में? सरकारी क्षेत्र में, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। अब ये तो हमने दूसरे संस्थानों के लिए बता दिया, बात समझ में तो आ रहा है। अब उद्योगों के लिए क्या किया उन्होंने, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, भाई जितने ज्यादा आप प्रोग्रेस करोगे उतनी ज्यादा आपको छूट दी जाएगी। फिर वो जो मालिक, उसका जो सीईओ वगैरह होगा, उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो सीईओ क्या चाहता है, मेरी रहती हुई इसका ये हो जाए, इतना टर्नओवर हो जाए, ये हो जाए, तो धीरे धीरे वो कंपनियां क्या होगी, ग्रो होती चलेगी। लिखेंगे इसे, क्या लिखा, सार्वजनिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना। लिखेंगे एलपीजी मॉडल की अवधारणा को अपनाने के बाद, अपनाने के बाद सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों को पेशेवर बनाएं, पेशेवर बनाएं, ब निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, सामना करने के लिए अधिक से अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसके लिए मिनी रत्न, नवरत्न व महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया, दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए एक अलग से वीडियो रहेगा हमारा, तो उसमें नवरत्न कंपनियां कब से दर्जा दिया, मिनी रत्न, महारत्न कब दर्जा दिया गया, कितनी कंपनियां, कौन सी कंपनियों को कब दिया गया, इसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। अब जो आर्थिक सुधार की बात कर रहे थे, तो कुछ को हम आज पढ़ेंगे, कुछ को बाद में पढ़ेंगे, अभी है हमारे पास में 5-10 मिनट का समय है। तो आर्थिक सुधार, नई औद्योगिक नीति समझ में आ गया। अब क्या परिवर्तन किए गए,
क्या लाभ हुआ, क्या हुआ, ये जो आर्थिक सुधारों के जो परिणाम है वो भी उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। आर्थिक सुधार यदि सफल हुए हैं तो नई औद्योगिक नीति सफल हुई है, आर्थिक सुधार यदि सफल नहीं हुए मतलब इसकी जो कमियां होगी वो उस नीति की भी कमियां होगी, तो उसमें ऐड करके चलेंगे। ठीक, तो आर्थिक सुधार क्या होता है, आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार क्या क्या पॉइंट आएंगे आर्थिक सुधार में? जयंत कुमार जी बोली, बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी है। बाहरी कंपनियों को भारत में आने के लिए क्या किया होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, लिखेंगे कुछ नीतिगत परिवर्तन, आर्थिक सुधारों की परिभाषा लिख रहे हैं, कुछ नीतिगत परिवर्तन जिससे अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली कर प्रणाली, आयात निर्यात नीति, प्रशुल्क क्या होता है, प्रशुल्क सही है, जो सीमा पे जो निर्यात है, ठीक, प्रशुल्क या सीमा शुल्क जिसे कहेंगे, वह FDI की नीति में परिवर्तन किए गए जिससे कि अर्थव्यवस्था में आई विसंगतियों को दूर किया जा सके, ये आर्थिक सुधार है। क्या क्या किया इसमें, आयात निर्यात नीति में परिवर्तन किया गया, कर प्रणाली में परिवर्तन किया गया, पहले बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे, अब करों में कम करने की बात की, कुछ वस्तुओं पे जिस पे ज्यादा लगता था उस पे कम कर दिया, कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था उसको शामिल कर दिया, ये सारे परिवर्तन उसमें, विदेशों से वस्तुएं आ रही थी उसको बहुत अधिक टैक्स लगा देते थे ताकि वो आए नहीं, तो अब हमारे देश की वस्तु कहीं जा रही थी तो उन्होंने टैक्स लगा दिया ताकि हमारी वस्तु कहीं बिके, अब हमने क्या किया, कम कर दिया, हमने कम कर दिया तो सामने वाले ने भी कम कर दिया, तो प्रशुल्क में परिवर्तन, ये जो परिवर्तन किए गए इसे क्या कहते हैं, आर्थिक सुधार। और तीन बताए मैंने, LPG सबसे पहला कौन सा है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, क्या होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उदार होना मतलब जी आयात निर्यात छूट प्रदान, छूट प्रदान करना, वो शर्तों को जो कठोर शर्तें थी उसको थोड़ा सा शिथिल कर दिया। ठीक, लिखेंगे उदारीकरण का अभिप्राय है कि सरकार द्वारा, उदारीकरण का अभिप्राय है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने से होता है, ढील देने से होता है, जैसे फेरा था एक नियंत्रण उसे समाप्त कर दिया, MRTP एक्ट था एक नियंत्रण उसे समाप्त कर दिया, फिर बंद अर्थव्यवस्था FDI प्रतिबंधित था उसे समाप्त कर दिया, तो ये जो बाहरी जो नियंत्रण थे उन सबको क्या कर दिया गया, ढील दी गई, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया,
एफडीआई हम 100% नहीं कर सकते लेकिन 51% की छूट दे दी, 75% तक के दे दी। तो ऐसे एफडीआई को धीरे धीरे बढ़ाया गया। जब सरकार कर नीति आयात निर्यात नीति औद्योगिक नीति श्रम नीति वाणिज्यिक नीति ऋण नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश उत्पादन विपणन वितरण इत्यादि के नियंत्रणों को हटाती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। लास्ट लाइन लिखेंगे, उदारीकरण के अंतर्गत बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अब बाजार शक्तियां क्या होता है ये तो अर्थशास्त्री महोदय जी बता सकते हैं। बाजार शक्तियां प्रिया नहीं समझती, बाजार में जो लेन देन होता है लेन देन होता है किसी के दबाव में नहीं। जैसे वस्तुओं के मूल्य को बाजार की शक्तियां दो ही है, दो शक्तियां है, एक क्रेता और एक विक्रेता। क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाला और बेचने वाला। खरीदने वाला क्या चाहता है? उसको सस्ती चीज, मुझे कम से कम कीमत देना पड़े, सस्ती चीज नहीं, कम से कम कीमत देना पड़े। वस्तु तो वही हो जो पसंद है लेकिन उसकी कम से कम कीमत देना पड़े। और विक्रेता क्या चाहता है कि मुझे वस्तु तो यही है, यही बेचना है मुझे, पर इसको मैं अधिक से अधिक कीमत पर कैसे बेचूं। और इसके बीच में क्या चलती है? सौदेबाजी चलती है। तो ये कहलाती है बाजार शक्ति। उदारीकरण में ये अब सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, ये ग्राहकों के ऊपर छोड़ दिया कि तुम्हें कितने में खरीदना है और विक्रेता के ऊपर छोड़ दिया तुम्हें कितने में बेचना है। अब तुम्हें ज्यादा कीमत पे बेचना है अपनी वस्तु को तो उसे अच्छे से बना, चमकाओ उसे, लोगों के दिमाग में ये बात बैठा लो कि ये जो चीज है वो सबसे अच्छी है। बगल वाला भी टूथपेस्ट बेच रहा है, आप भी बेच रहे हो, लेकिन आप लोगों को बताओ कि उससे अच्छा आपका है तो ही तो आप महंगी कीमत में बेच सकते हो। अब आप बोलोगे सेम वैसे ही है और ज्यादा कीमत मांगो तो कोई देगा क्या? नहीं, ग्राहकों के दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि ये बाकी सब चीजों से अच्छा है। अब हम रिलायंस ट्रेंड्स में जाते हैं और फिर किसी दुकान में, दूसरी दुकान में चल जाते हैं तो वहां पे एक जींस लेने के लिए जाते हैं, दूसरी दुकान में 1200 में मिलता है, वहां पे 3500-3600 बोलते हैं, फिर भी लोग बाग वहां खरीदते हैं ट्रेंड से। क्यों? क्योंकि वो कुछ तो करता होगा, बताता होगा कि वो वहां का तो 3 साल पुराना है,
हमारे यहाँ डायरेक्ट कंपनी से बन के आता है, इसकी 10 साल की गारंटी है, ये है, ढेर सारी बातें, कुछ तो बताता होगा भाई ये ब्रांड हमारे यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, ये भी बोल सकता है। जैसे एमए वाले बेचते हैं, एमए वाले कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं, पता ही नहीं क्या है क्या, लेकिन बेचते हैं और बताते हैं क्या, हमें नहीं पता ना कि वो क्या है, मैंने खुद उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो बताता है कि इनका इतने एकड़ में ज़मीन है, खुद ही खेती करते हैं और वो वहीं से मतलब बनता है, वो ऑर्गेनिक है, ये वो सब कुछ बताते हैं, लेकिन और हम खरीद लेते हैं, हम तो गए नहीं वहाँ पर, तो ऐसा कुछ तो बताना पड़ेगा। तो वो कहलाती है बाजार शक्तियाँ, क्रेता और विक्रेता, और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उदारीकरण में यही है, सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, सरकार ने बोला कि नहीं ये आप बल्ब बना रहे हो आप इसको 100 रुपए में ही बेचोगे, अब वो घटिया सामान तो लगाएगा क्योंकि उसको मालूम है 100 रुपए में ही बेचना है, तो अब उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा क्या, नहीं वो बिकेगा उसका 100 रुपए में, तो फिर वो बाजार शक्तियाँ कैसी हो गई, वहाँ पर नियंत्रित हो गई, और पहले था 1991 से पहले, लेकिन उदारीकरण में क्या वो बाजार शक्ति अब स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब क्या किया उदारीकरण के लिए, तो सबसे पहले रुपए का अवमूल्यन लिखो, मेरे इधर ही मत लिखो, लिखना भी है। तो उदारीकरण के अंतर्गत पहला प्रयास क्या किया, रुपए का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन, विदेशी विनिमय दर पढ़ा ना, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, अपने देश की बाह्य मूल्य, विदेशी विनिमय दर लेना था, एक देश की मुद्रा का अन्य देश की मुद्रा में मूल्य, विदेशी विनिमय दर लेना था। अब जानबूझकर कम करना, मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना, बस सरल सा डिवेल्युएशन क्या है, अवमूल्यन क्या है, मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना, डिवेल्यूएशन। अब ये अपने आप भी हो सकता है, जानबूझकर भी किया जा सकता है, जैसे अमेरिका का $1 उसके बदले में हमें कितने रुपए देना पड़ता है, एक एग्जांपल 80 रुपए देना पड़ता है, तो ये भारतीय मुद्रा का विदेशी विनिमय दर 1/80 हो गया 1/80 हो गया। अब सरकार चाहती है कि नहीं यार हम 1/100 कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, डिवेल्युएशन, सरकार ने किया जानबूझ के किया, 20% घटा दिया, ये डिवेल्युएशन कहलाता है। सरकार करती है, क्यों करती है, कुछ दिन पहले बताया था मैंने क्या होता है मंदी, आपने उस दिन डांट खाई थी इस क्वेश्चन पे, अवमूल्यन क्यों किया जाता है, तो अवमूल्यन करने से जो हमारे यहाँ पे निर्यात बढ़ते हैं, हमारे आयात कम होते, गुड। देखो हमारे देश की वस्तुएं सस्ती हो जाएगी, विदेशों में सस्ती हो जाएगी, तो निर्यातों की संख्या बढ़ेगी, और विदेशी वस्तुएं हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी अवमूल्यन के कारण, तो वो कम हो जाएंगे, निर्यात में वृद्धि होती है, प्रोत्साहित होती है, और आयात जो है वो हतोत्साहित होते हैं। भारत में अभी तक 3 बार अवमूल्यन किया गया है, 1949 20 सितंबर 1949 6 जून 1966 6 जून 1966 और 1 से 3 जुलाई 1991 ये जो 1 से 3 जुलाई 3 चरणों में किया गया था, और तीनों मिलकर कितना, लगभग 20% मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन किया गया। ये तीनों डेट याद रखना है, 1966 की तारीख 6 जून 1966 और 1 से 3 जुलाई 1991 20 सितंबर 1949 1949। क्लियर हो गया, अवमूल्यन किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे निर्यात कैसे हो गए, सस्ते हो गए, निर्यातों में वृद्धि हुई। दूसरा, रुपए के पूर्ण परिवर्तन, ये था रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता मतलब एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में बदलना,
यहाँ पे भी क्वेश्चन बना था और ये सेम वैसे जैसे राघवन समिति का आया था वैसे ये क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में उसी समय, इसने भी मुझे फायदा पहुंचाया। एसएस तारोपुर समिति की, एसएस तारोपुर समिति की अनुशंसा पर 1993-94 में मुद्रा को 1994 में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। क्लियर है एकदम? चालू खाते में भुगतान संतुलन की दो मदें होती है, एक होता है पूंजीगत खाता और दूसरा होता है चालू खाता। भुगतान संतुलन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चालू खाता मतलब ऐसा जिसका पेमेंट उसी वित्तीय वर्ष में हो रहा है तो वो चालू खाता। पूंजीगत खाता जिसका भार जो है दूसरे वर्षों पर पड़ रहा हो, जैसे विदेशी ऋण आज ले लो और 20 साल तक चुकाते रहो तो इकाई की मद होगी पूंजीगत खाते की। हमने वस्तु बेची नगद में और तुरंत ही पैसा आ गया तो कौन सी मद हो गई है? चालू खाते की। क्लियर है एकदम? पूंजीगत खाते में ऐसी मदें आती है जिसका भुगतान लंबे समय तक होते रहता है। चालू खाते में वो मदें आती है जिसका भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति प्रस्ताव। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1991। अब इसको भी बताना पड़ेगा क्या नीलू जी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव को बताना पड़ेगा क्या है ये? योगेश हाँ है ना, बता दो। अरे वही तो पढ़ा ना औद्योगिक नीति 1991 में, वही तो है जो अभी अपन ने पढ़ा, वही वाला है। आरक्षण से मुक्ति, लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति, फेरा की जगह फेमा लाया गया, एमआरटीपी की जगह सीसीआई लाया गया, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत। आगे लिखेंगे विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी विनियमों में सुधार, इसमें एफडीआई का आएगा कि एफडीआई बढ़ाई गई, टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, ठीक। लास्ट पॉइंट लिखेंगे आयात निर्यात नीति में सुधार, आयात निर्यात नीति में सुधार। बाकी कुछ छूटा है वो उसे हम कल देखेंगे, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।